तो इस सेक्शन पे हम बात करेंगे टी सेल मैक्रोफाज क्रॉस स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि टी सेल के साथ मैक्रोफाज का जो क्रॉस टॉक होता है जो इंटरेक्शन होता है वो बुनियाद होता है इनेट इम्यून सिस्टम से एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को सिग्नल करने के लिए सो बेसिकली इनेट इम्यूनिटी जो ऑलरेडी मौजूद इम्यूनिटी होता है और जो कोई पैथोजन आने के बाद इंस्टिकेट होता है इस दोनों के बीच एक सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इनेट इम्यून से सिग्नल एडेप्टिव इम्यूनिटी में ना जाए तो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा और इस इंटरेक्शन के लिए टी सेल टी हेल्पर सेल जो टी एच सेल बोला जाता है टी ए हेल्पर सेल के साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो मैक्रोफाज है उसका इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसीलिए हम अलग से इस चीज़ को समझ रहे हैं यहाँ पर कौन से साइटोकाइंस इन्वॉल्व होता है उसका फंक्शंस क्या है वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि टी सेल्स जो है होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं हम तो सिर्फ टी हेल्पर वन टी हेल्पर टू और साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं मगर अलग अलग प्रकार के नाम से भी टी सेल जाने जाते हैं उस डिफरेंट टी सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है कौन से साइटोकाइन रिलीज करते हैं कैसे काम करता है सब कुछ हम देखेंगे तो क्रॉस टॉक के लिए बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके का पिक्चर अलग अलग एक्सप्लेनेशन तो कोई एक बुक से पढ़े तो बेहतर रहेगा अदरवाइज यूल बी कन्फ्यूज तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सिचुएशन यहाँ पर सिंपल इमेज से एक्सप्लेन करूंगा तो पहली बात तो यह कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को ले लेते हैं और वो है यहाँ पर मैक्रोफाज तो मैक्रोफाज जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो एक्टिवेटरी मैक्रोफाज है मतलब जो माइक्रोफाज इनट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है जो बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है ब्लड में मौजूद है ब्लड से वो टिश्यूज़ में आ रहा है जहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आने के बाद जो इंटरेक्शन होता है टी सेल के साथ टी हेल्पर वन सेल के साथ वो अलग से होता है कैसे हो सकता है देखो टी हेल्पर वन आ, से रिलीज होता है इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर ये दो चीज ओके अगर कलर ले यहां से ये दो चीज़ बेसिकली होता है इंटरफेरॉन गामा या फिर ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर ये दोनों ही चीज़ टी हेल्पर वन सेल से माइक्रोफाज की ओर रिलीज होता है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और जब ये रिसीव होता है मैक्रोफाज को क्योंकि देखो मैक्रोफाज का तो एम क्लास टू है यहाँ पर एंटीजन बाइंड किया हुआ है टी सेल रिसेप्टर से इस एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होगा ये सारी चीज हमें पता है मगर कौन से केमिकल फैक्टर्स टी एल पर वन रिलीज करते हैं इंटरफेर गामा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर उसके बाद इसको रिसीव करने के साथ साथ एक पॉजिटिव फीडबैक लूप एक पॉजिटिव सिग्नलिंग आता है मैक्रोफाज से इन अ फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन किन ट्वेल्व इंटरव्यू किन माइक्रोफाज रिलीज़ करता है जो टी हेल्पर वन पे रिसेप्टर पे जाके बाइन करता है और ये इंटरेक्शन होने के साथ जब इंटरल्यूकिन टेल्व रिलीज होगा और इंटरल्यूकिन ट्वेंटी सेवन जो है बेसिकली वो टी हेल्पर वन सेल को प्रोलीफरेट होने से रोकता है तो यहाँ पर टी इंटरल्यूकिन ट्वेल्व अगर रिलीज होता है तो टी हेल्पर वन सेल पॉजिटिवली रेगुलेट होगा और उसका सेल्फ प्रोलीफरेशन होगा खुद का ग्रोथ होगा और इंटरल्यूकिन ट्वेंटी सेवन रिलीज होता है तो मैक्रोफाज से ये रिलीज होने वाले सिग्नल टी एल वन को ग्रोथ होने से और प्रोलीफरेट होने से रोकेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस टॉक है अब उसके बाद देखो जब भी ये सिग्नलिंग कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ सिग्नलिंग मतलब यहाँ से टी हेल्पर पर वन से पहले तो इंटरल्यूकिन ट्वेल्व आया मैक्रोफाथ से टी हेल्पर पर वन में और टी हेल्पर पर वन इन ए रिस्पॉन्स इंटरफेर गामा और फैक्टर को रिलीज करता है गामा, जिसको हम गामा 12 कहते हैं। और यही क्रॉस स्टॉक का बुनियाद है और यहाँ पर जब भी ये रिसीव कंप्लीट होता है काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ क्या होता है मैक्रोफाज इंटरल्यूकिन वन इंटरल्यूक सिक्स और इंटरल्यूकिन ट्वेंटी थ्री को रिलीज करता है और वो जाके टी हेल्पर सेवेंटीन सेल को एक्टिवेट करता है प्रोलीफरेट करने में मजबूर करता है मैंने बताया कि अलग अलग टी सेल होता है टी एल पर वन तो हम जानते ही हैं मगर टी एल पर सेवनटीन यहाँ पर और एक एग्जाम्पल ठीक है तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है ये होता है पहली बात है सेकेंड और एक चीज तो यहाँ पर टी एल पर वन सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट हुआ हमने देखा अब रेगुलेटरी टी सेल के साथ भी कैसे इंटरेक्शन है तो वो देख लेते हैं रेगुलेटरी टी सेल के साथ रेगुलेटरी माइक्रोफाज का इंटरेक्शन होता है और रेगुलेटरी टी सेल से इंटरल्यूकिन दस आई एल टेन आता है और जो रेगुलेटरी मैक्रोफाज को एक्टिवेट करता है और मैक्रोफाज फर्दर इंटरल्यूकिन जो कि इंटरल्यूकिन किन टेन फिर से रिलीज करता है और वो जाके टी हेल्पर टू सेल को एक्टिवेट करता है और टी हेल्पर टू सेल रिलीज करता है इंटरल्यूकिन किन फोर इंटरल्यू थर्टीन और ये दो जाके ऊन ढीलिंग मैक्रोफाज को एक्टिवेट करता है तो देखो मैक्रोफाज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं लाइक यू कैरी में देखिए ह्यूम मतलब इंसान के शरीर में देखें तो ऐसे अलग अलग टाइप रेगुलेटरी मैक्रोफाज एक्टिवेटेड uh, मैक्रोफाज़ होता है उन डीलिंग माइक्रोफाज अलग अलग टाइप के मैक्रोफाज़ है जिसका रोल बेसिकली मैक्रोफाज़ का रोल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ही रहेगा फैगोसिटिक रोल रहेगा मगर फिर भी थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन होता है इस मैक्रोफाज के रोल्स में तो यहां पर रेगुलेटरी टी सेल से आई एल टेन रिलीज हुआ जो रेगुलेटरी मैक्रोफाज़ में आया रेगुलेटरी मैक्रोफाज़ फिर से आई एल टेन रिलीज किया जो टी हेल्पर 2 टू सेल्स में गया टी हेल्पर टू सेल इंटरल्यूकिन चार और तेरह इंटरल्यूकिन फोर एंड थर्टीन रिलीज किया जो ऊंडन मैक्रोफाज को एक्टिवेट किया तो यह होता है टोटल टी सेल माइक्रोफाज क्रॉस स्टॉक पहला जो एग्जाम्पल था वो था कैसे इनेट इम्यूनिटी के साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी को क्रॉस टक क्योंकि यहाँ पर जब टी हेल्पर वन सेल खुद को एक्टिवेट करता है तो टी हेल्पर वन सेल फर्दर ये सिग्नलिंग करेगा बी सेल को एक्टिवेट करने में और बी सेल को एक्टिवेट करना मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो कि एडाप्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा हो जाए राइट ह्यूमरल इम्यूनिटी का हिस्सा होता है सिमिलरली टी हेल्पर सेवेंटीन सेल का भी कुछ रोल्स है जो हम बाद में देखेंगे सो दैट इज ऑल अबाउट द टी सेल मैक्रोफाज क्रॉसटॉक तो यहां पर एज ए समर टी सेल मैक्रोफाज की क्रॉसटॉक को देख लेते हैं और एक बार ये होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफाज मैक्रोफाज एक माइक्रोबाया उसको खा लिया इनगल्फ किया उसको ब्रेक किया और सेल्फ प्रोटीन जो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टू उसके जरिए बाहर के और शोकेस किया देखो ऐसे अब टी हेल्पर सेल टी सेल रिसेप्टर के को यूज करके इंटरेक्ट किया एमएससी क्लास टू के साथ जो एंटीजन बाउंड एमएससी क्लास टू है उसके साथ अब इंटरेक्ट करने के साथ साथ क्या होता है खुद को स्टिमुलेट करता है इंटरल्यूकिन टू रिलीज करके टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन टू और, और आई एल टू को रिलीज किया जो खुद को ही एक्टिवेट करता है ख़ुद को ही प्रॉलीफरेट होने में मजबूर करता है और उसके साथ साथ इंटरल्यूकिन टू बी सेल को भी एक्टिवेट करता है ताकि बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे प्लाज्मा सेल बने और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे राइट तो ये हो गया इनेट से एडेप्टिव इट से एडप्टिव की जर्नी ऑन द अदर हैंड ये जो इंटरल्यूकिन टू है वो टी सेल को भी एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल को जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल को वो मार गिराता है तो ये होता है टी सेल मैक्रोफाज क्रॉस स्टॉक का समरी